हेलो दोस्तों, शशिकला द विलेज रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे करेले, टमाटर, प्याज, आलू और चने की सब्जी, मिक्स सब्जी बनाएंगे। तो चलिए आपको दिखाएंगे हम कैसे बनाते हैं। चने को हमने भिगो लिया था रात में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ऑल कर दीजिए। देखिए हमारा चना अच्छी तरह से फूल गया है। अब हम लेंगे दो मिर्च हमने तोड़ लिया। लहसुन प्याज को अब हम छीलेंगे। आलू को हम छील लेते हैं, अच्छी तरह से छील के सभी सब्जियों को हम अच्छी तरह से धुलेंगे। काटते समय ध्यान रखें कि करेले में अंदर कीड़े ना हो। टमाटर के काले भाग को हटा देंगे, इसमें जंग्स रहता है। सभी सब्जियां हमने काट लिया है, अब इसे बनाएंगे। चल रहे हैं चूल्हा में आग जलाएंगे। हम कढ़ाई को चूल्हे पर रखेंगे। 2 सेकंड गर्म होने के बाद तेल डालेंगे सरसों का। हमारा तेल गर्म हो गया है। लहसुन डालेंगे, प्याज, अब इसको चलाएंगे। थोड़ा पकने के लिए छोड़ देंगे, इसको चलाएंगे अच्छी तरह से। आलू डाल दिया हमने, चने को डालेंगे, अब इसको अच्छी तरह से चलाएंगे। चलाते हुए 2 मिनट पकाएंगे। हम डालेंगे टमाटर, चलाते रहेंगे हम। अब इसमें डालेंगे हल्दी 1 चम्मच, हम डालेंगे नमक, स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। अब इसको चलाएंगे अच्छी तरह से। अच्छी तरह से मिला लेंगे, उसके बाद हम इसको ढकेंगे। धीमी आंच को हम इसे पकाएंगे। ढककर हमने छोड़ दिया है।
बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि नीचे पकड़े ना, जले ना हमारा सब्जी। चारों तरफ से अच्छी तरह देख के चलाएंगे, कहीं चिपके ना कढ़ाई में। देखो हमारा थोड़ा थोड़ा चिपक रहा है, अच्छी तरह से इसको चलाएंगे। ध्यान रहे धीमी आंच पे पकना है इस सब्जी को। पंद्रह मिनट बीत चुके हैं, अभी हम इसको देखेंगे पका है क्या नहीं। अभी नहीं पका है, अभी से पंद्रह मिनट और पकाएंगे। ये देखो यार नहीं पका है। हमारे ढक्कन पर गद्दा था, हमने फूक कर उसे उड़ा दिया। हम इसे चलाएंगे अच्छी तरह से। हम चलाकर इसको ढक देंगे अच्छी तरह से। हम इंतजार कर रहे हैं पकने का। हमारा सब्जी देखिए, चलाकर देखेंगे। इतना अच्छा कलर में आ गया, देखो यार पक गया है हमारे सब्जी। करेले को चेक करना है, आलू को, चने को भी। सब्जी हमारा पक गया है, अब हम इसे उतारेंगे। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और घंटी को ऑल कर दीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।